हेलो, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। जी, अमजद अल्लाह खान साहब बात कर रहे हैं। जी हाँ, जी, अमजद अल्लाह खान साहब बात कर रहे हैं, मीटिंग मैं में। बात कर रहा हूँ, फरमाइए। जी, खैरियत से? जी, जी खैरियत। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी मिस सब किया आपको। छोटा थोड़ी मुख्तसर बात करना था आपके पास, अगर वक्त है तो। बोलिए सर। जी, मैं सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ। असल में हम लोग जो है ना, यहाँ पे हज को आए थे भाई। ठीक है, वो बताना नहीं मालूम, थोड़ा प्रॉब्लम थी तो मैं मशवरा करूँगी आपसे, अभी कॉल करा आपको। हम जी लोग यहाँ पे अजीजिया में हैं, मक्के में। ठीक हाँ है, तो यहाँ पे जो है ना, जो भी हम आप मतलब जो बिल्डिंग्स में रूम्स वगैरह अलाट करें, ला के जो रखे हुए हैं यहाँ पे ना, कोई मतलब एक फ्लोर पे, एक बिल्डिंग पे जो है, एक फ्लोर पे पाँच पाँच फैमिली है एक रूम में। हाँ ठीक है, पाँच पाँच लोग की फैमिली है, तो अब एक फ्लोर पे करीब करीब 10 10 फ्लैट्स हैं, मतलब 50 लोग। तो उसमें कुछ दो या तीन चूल्हे हैं, दो तीन चूल्हे में, एक चूल्हे में चार बर्नल साथ है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ एक एक बर्नल काम कर रहा है, कोई बर्नल तो काम ही नहीं कर रहे, ये वॉशिंग कौन सी मशीन बिल्डिंग वगैरह में जो अलॉट फिर, करे। ये जी आप लोग हज कमेटी से गए ना आप लोग? जी हज कमेटी के जी, तो कौन सी बिल्डिंग में रुका है आपको? फोर ये 466। 466 बिल्डिंग में रुका है। तो जी, कितने यहाँ लोग हैं पे उसमें, सिचुएशन कितने बहुत, फैमिलीज को रखे हैं? इसमें अब पूरे 7 फ्लोर्स हैं, तो एक फ्लोर पे जो है सो 1 2 3 4 5 5 10 10 10 10 फैमिली से एक फ्लोर ईच फ्लोर पे 10 फैमिलीज। पे, 10 फैमिली से। हाँ, और एक फ्लोर पे 10 फैमिली से और दो चूल्हे हैं, आई मीन दो किचन है। ठीक है, दो किचन और दो वॉशिंग मशीन ईच फ्लोर पे। अब वो दो दो वॉशिंग मशीन जो है, एक तरफ मतलब बालकनी उस तरफ है कि बालकनी इस तरफ, एक बालकनी है तो उस तरफ वालों का वॉशिंग मशीन अलग, अपना इस तरफ वालों का वॉशिंग मशीन अलग। मतलब थोड़ा 25 लोग उसमें धो लेना, 25 लोग इसमें धो लेना। तो जो 25 लोग का जो धोना धोना है, जिसमें वॉशिंग मशीन धोना है, वो वॉशिंग मशीन पूरे टूटे तो और पूरे किचन टूटे पूरे रहते जो हो? ना जी ब्रदर्स हैं पूरे टूटे। तो यहाँ पे आजीजी कर लिए, हाथा पैरा पड़ लिए, भाई देखो का इतना बोल रहे हो, इतना बोल रहे हो। यहाँ पे मैनेजमेंट ऐसा है, सिर्फ चुप कराना जानता हो, सिर्फ आपको चुप कराएंगे, बोला भाई कर देंगे, बल्कि भेजा दे रहे हैं। फिर उसके बाद कोई बंदा नहीं आ रहा, कोई भी आ रहा नहीं, देख रहा नहीं। और वो साफ सफाई करने वाले जो बंदे हैं ना, वही रिसेप्शन पे बैठ रहे हैं, वही मैनेजमेंट है, वो दो से तीन लोग हैं, पूरी बिल्डिंग संभाल रहे हैं दो से तीन लोग। और हम लोग खादिम उलहजाज को भी बोले, जो अलॉट हुए थे वो लोग भी आ रहे हैं, आप बोल रहे हैं ये रात हमारे में वो। तेलंगाना वक्फ जी, बोर्ड के तेलंगाना चेयरमैन साहब हैदराबाद। से बात की आप लोग? नहीं, उनका नंबर भी नहीं है हमारे पास। मैं आपको उनका नंबर डाल रहा हूँ, आप उनसे बात करो अभी। मैं भी कॉल कर रहा हूँ अच्छी अभी। बात है, अच्छी बात है। ठीक आपका नाम? मोहम्मद है, मेरा नाम आजम हुसैन, मोहम्मद आजम हुसैन। आजम हुसैन। ये जी नंबर जी आपका ही है ना ये? जी हाँ, मेरा सऊदी का नंबर है, पर इस पे व्हाट्सएप नहीं है, मैं आपको मेरे व्हाट्सएप के नंबर से आपको पिंग कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपका, मेरे जी को व्हाट्सएप नंबर डालिए। मैं अभी वहाँ पर जो है कॉन्सुलेट जनरल जिद्दा में भी बात करता हूँ मैं भी। तो अब आप लोग फिल वक्त मक्के में है, मदीने में आप लोग? नहीं, मक्के में है, मदीने से आके 2 दिन हो गया। तो ये आप लोग फर्स्ट फ्लाइट क्या है लोग आप लोग? जी हाँ जी हाँ, फर्स्ट फ्लाइट है। मदीने में तो बहुत अच्छा था भैया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कोई शिकायत के मौका नहीं है वहाँ पे, तो कल मदीने कुछ, में बहुत अच्छा था। कल हज कमेटी के जो असिस्टेंट ईओ है उनका कुछ स्टेटमेंट आया ना, हम बिल्डिंग चेंज कर रहे हैं बोल के। अच्छा नहीं, वो बिल्डिंग अलग है, वो 351 बिल्डिंग है, वो दूसरी वाली, वहाँ भी सेम ऐसे ही था। जी ठीक है, मैं अभी बात कर रहा हूँ, अभी बात करके फिर आपको अपडेट करता हूँ। आपका ज़रा ठीक व्हाट्सएप है, नंबर से आपको सलाम भेजिए मेरे को। मैं अभी भेज रहा हूँ। जजाकअल्लाह खैर। ठीक, सलाम। अस्सलाम वालेकुम।